विदिशा जिले की तहसील पठारी में निर्माणाधीन निजी कॉलेज भवन की दीवार गिरने से एक महिला चौकीदार की मौत हो गई। नगर के खुरे रोड स्थित लखनलाल अग्निहोत्री महाविद्यालय का निर्माणाधीन भवन की पिलर सहित दीवार कॉलेज की चौकीदार ग्राम मऊआखेड़ी निवासी रामकौर भाई लोधी 55 वर्ष के ऊपर गिर जाने से उसकी मौत हो गई। कॉलेज के संचालक ने मामले को रफादफा करने के लिए मऊआखेड़ा निवासी प्रकाश कुर्मी की गाड़ी में मृतिका और उसके पति को खुरे भेज दिया, जहां डॉक्टरों ने रामकौर बाई को मृत घोषित कर दिया। इस निजी कॉलेज भवन का इतना घटिया निर्माण किया जा रहा है कि हल्की तेज हवा में भवन की दीवारें हिलने लगती है। ऐसे भवन में बच्चों का पढ़ना खतरे से खाली नहीं। थाना प्रभारी संदीप चौरसिया और प्रभारी तहसीलदार सैयद परवेज अली ने बताया कि कॉलेज संचालक और प्रबंधक ने घटना की जानकारी नहीं दी है, मामले को दबाने की कोशिश की है। मामले की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कुरबई से आशीष जैन की रिपोर्ट। रात में कि कोई महिला कॉलेज की दीवार से दबने से घायल होकर पड़ी गई है, तो मौके पहुंचे तो मौके पर तो कोई साक्षी या कुछ मिला नहीं था। आज हमें सूचना मिली है कि उसकी मृत्यु हो गई है। मर्ग डायरी की अप्राप्त है, जो मृत्यु के संबंध में मर्ग डायरी प्राप्त होने पर उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, जो दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई की। मामला संज्ञान में आया है कल ग्राम कोटवार मऊआखेड़ा के द्वारा। दूरभाष पर मेरे को सूचना दी गई थी रात्रि में कि लखनलाल अग्निहोत्री महाविद्यालय, जो कि ग्राम चंदनपुर में बना है, अभी नवनिर्मित भवन है, उसकी एक दीवार जो कल तेज हवा के कारण गिर गई, जिसमें वहाँ के जो चौकीदार या जो कॉलेज की रखवाली करती थी रामकुमार भाई, पत्नी कमल सिंह, जिनकी उम्र 55 वर्ष थी, दीवार की गिरने से दबने से उनकी मौत हो की सूचना प्राप्त हुई थी ग्राम कोटवार के द्वारा। मेरे द्वारा रात्रि में उस घटनास्थल का दौरा किया गया था, किंतु वहाँ पर कोई मिला नहीं। सभी जगह ताले पड़े हुए थे और ये पता चला था कि जो मृतका है उसको खुरई शासकीय अस्पताल में ले जाया गया है। यहाँ पर यह सुबह सूचना प्राप्त की उसकी मृत्यु पत्सा में ही हो गई थी। अभी मामले की कोई लिखित शिकायत हमें प्राप्त नहीं हुई है। यदि लिखित शिकायत हमें प्राप्त होती है तो उसकी विधिवत जांच कराकर जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी।